नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। इस वक्त दिल्ली में हमारे साथ ददन जी जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका सिटी पोस्ट में। बहुत बड़ा बयान अभी अभी संजय पासवान ने ऑन कैमरा दिया है कि बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को, बिहार वासियों को इंतजार है। आप सहमत हैं इसके साथ? अब देखिए, बिहार में नीतीश कुमार जो 15 साल के समय में जो काम किए हैं और गांव-गांव का जो विकास किए हैं, कोई बिहार में ऐसा गांव नहीं मिलेगा जिस गांव में रोड, नली और नल के जल घर तक नहीं पहुंचाए, बिजली पहुंचाने का काम किए, हर राज्य के कोना से जोड़ने का काम किए और नदी में पुल पुलिया का जो काम किए हैं नीतीश कुमार, सुशासन जो पैदा किए, अपराध मुक्त और नरसंहार और दंगा से बचाने का नीतीश कुमार ने काम किए, और आपका इनके राज में जो काम हुआ है, जो शांति है, बच्चन के पढ़ने के लिए स्कूल की व्यवस्था, साथ में जाने के लिए साइकिल की व्यवस्था, स्कूल में भोजन की व्यवस्था, जो नीतीश कुमार ने जो काम किया है, नीतीश कुमार का कोई जवाब नहीं है। इसलिए नीतीश कुमार अगला मुख्यमंत्री बनेंगे। जो ये लोग बोल रहे हैं आलतू फालतू आदमी, वो समझिए कि समाज से उनकी दूरी है। समाज के बारे में लोग जानते नहीं कि बिहार के क्या लोग के इंटरेस्ट से किए इस पर झुकाव है, ये लोग के पता नहीं है। बिहार में हम लोग घूमते हैं, बिहार के बारे में हम लोग जानते हैं, पूरे बिहार में दो दो बार हर विधानसभा क्षेत्र में हमें भी घूमने का मौका मिला है। तो बिहार के लोग की इच्छा है नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार के जीते जीते दूसरा कोई मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहा है बिहार के अंदर, यह आपको बता देते हैं। और यह जो आरजेडी का मामला है, आरजेडी के जो फनफना रहा है आपका लालू जी के बेटा, कभी बिहार के लोग लाइक नहीं करेगा। इसलिए कि बिहार में अपराध से बिहार लोग त्रस्त था, अब बिहार के बाहर भी बिहार के बदनामी हुआ था लालू जी के राज में, तरह तरह के घोटाले में फंस जाने के कारण लालू प्रसाद यादव के परिवार पर बिहार की जनता कभी विश्वास नहीं कर सकता है। झारखंड में जो लड़ाई हुआ, झारखंड में मान लीजिए कि इनको 7 सीट मिला, 1 सीट जीते हैं, और 1 सीट पर पूरे बुझा रहा है कि पूरे बिहार जीत जाएंगे, तो कभी बिहार के लोग लाइक नहीं है। जब तक जिंदा नीतीश कुमार रहेंगे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे। ठीक है ददन जी, आपकी बातों से मैं सहमत अगर हो भी जाती हूँ एक वक्त के लिए, लेकिन गठबंधन ने जिस तरीके से जीत हासिल की है झारखंड में, बिहार में उस चीज को ही ये दोहराना चाह रहे हैं, और बिहार में एक बार देखिए गठबंधन अपनी एकता को बनाने में जुट गई है, लेकिन कहीं ना कहीं एनडीए में एक दरार आपको नजर आएगी, जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी, कैसे आप इस चीज का मुकाबला करेंगे? देखिए, हेमंत सोरेन जो उनके पिताजी थे हमारे लोग, जब हम लोग झारखंड बिहार हटा नहीं था तो उनके पिताजी से हमारा अच्छा संबंध था, पिताजी के बारे में हम जानते थे, वो पिताजी इनका झारखंड की लड़ाई लड़े थे, और झारखंड के लड़ाई लड़ने के बाद वो झारखंड बना। जबकि लालू प्रसाद यादव बोले थे कि झारखंड हमारे लाश पर बनेगा, तो यह समझिए कि लाश पर बनेगा। पहला बार ये बीजेपी के से नफरत करते हैं, लोग कहता है यह आपका तेजस्वी बोल रहा है कि मरते दम तक हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, तो उनके पिताजी लालू प्रसाद यादव जो पहला मुख्यमंत्री बने आरएसएस और भाजपा के समर्थन से बने, जब तक आरएसएस चिट्ठी लिख के नहीं दिया तब तक यह राज्यपाल के यहाँ जाने का हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। तो भाजपा के लोग को अभी भी भाजपा में प्रयास किए थे आने के लिए, लेकिन भाजपा उनको लाइक नहीं किया, इसलिए कि पूरे भारत में बदनाम आरजेडी पार्टी है। इसलिए झारखंड का जो मामला है, सोरेन जी के कमाई और आपका जो बीजेपी के मुख्यमंत्री थे रघुवर दास का रिप्यूटेशन झारखंड में अच्छा नहीं था, इनको लोग लाइक नहीं करता था, इनके पास कुछ हम आ गया था, लोग से मिलना जुलना या आपका झारखंड अहंकार के कारण बीजेपी का वहां पर हार हुआ है। इसलिए वो बिहार होने नहीं जा रहा है। बिहार समझिए कि फुल बहुमत के साथ कोई और सीमा नहीं रह जाए, हम तो जानते हैं कि 10 ले 20 पार नहीं करेगा, यदि आपका यह महागठबंधन रह जाएगा तभी, हमको नहीं अंदाजा है कि 20 ले 20 पार करेगा, रिजल्ट आएगा आप लोगों के सामने आएगा। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू में कहीं ना कहीं सीट को लेकर बड़ा एक दराज चल रहा है, क्या लगता है आप इक्वल सीट पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं या फिर आप बड़े भाई की भूमिका में नजर आएंगे, बीजेपी को हम छोटे भाई की तरह देखेंगे? देखिए, अभी तो ये हमारा सरकार है, हम अभी हमारा सीट भी इनसे ज्यादा है, ये अपना बीजेपी के जो पहले बीजेपी लड़ा था नीतीश कुमार, बीजेपी भी जान रहे हैं, बीजेपी भी
अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार के बिना बिहार में कोई सरकार बना नहीं सकता, इसलिए नीतीश कुमार जी का मर्जी से ही बिहार में चुनाव होगा, इनके नाम पर इनके फेस पर चुनाव होगा, तबे लोग सक्सेस होंगे। यार जान ले, एक और बात मैं जानना चाहती हूँ, सवर्ण और गैर सवर्ण की बात अभी संजय पासवान ने मेरे इंटरव्यू में कही है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि गैर सवर्ण ही बिहार में कोई मुख्यमंत्री चेहरा बन सकता है, सवर्ण कभी नहीं बन सकता, कितना सहमत है इसके बाद में अगला सवाल उठा। इसके बारे में नहीं बोलेंगे, ये तो देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जाति बात नहीं लिया जाता है। मुख्यमंत्री के कब बन जाएगा ये कोई ठीक नहीं होता है, मगर बिहार के इतना जानते हैं कि नीतीश कुमार ही बनेंगे। अभी कभी कहीं पर भी नहीं कहा जा सकता है कि कौन जात नहीं बनेगा, लेकिन अभी बिहार की स्थिति है, बिहार में नीतीश कुमार जी के साथ जनता है, हर जाति ब्यादरी के लोग नीतीश कुमार को लाइक करते हैं, इसलिए कि गांव को पहले भी लोग देखा है, गांव की सारी समस्या आज भी लोग बिहार के देखते हैं, तो बिहार के लोग जो अपना गांव की विकास देखे, रोड की व्यवस्था देखे, रात में हमारी माँ बहन बेटी कहीं रोड पर जा रही है, कहीं दिक्कत कठिनाई नहीं है, इसलिए यह घोटाला से नीतीश कुमार जी बचाने का बिहार के काम किए। नित्यानंद राय को मुख्यमंत्री चेहरा के तौर पर बताया जा रहा भारतीय जनता पार्टी के, नीतीश कुमार के सामने नित्यानंद राय, कैसे आप मुकाबला करेंगे? जेडीयू बीजेपी के बीच में ये मुकाबला, ये आप कहीं से विपक्ष से मुकाबला? अब देखिए ये बड़ी बात हो गई, इस पर हमको बोलना उचित नहीं है, इसलिए कि बड़ा मामला है, बड़ा लेवल का मामला है, वो हमारा लेवल नहीं है इस पर बोलने का। ठीक, आखिरी सवाल फिर मैं आपसे लेती हूँ कि क्या तैयारी रहेगी व्यक्तिगत तौर पे आपकी भी विधानसभा में, और जेडीयू पार्टी की क्या तैयारी है बिहार विधानसभा में? देखिए जेडीयू को तैयारी नहीं करना है, जेडीयू तो काम इतना कर दिया है कि प्रचार नहीं करना है इनको, और मुख्यमंत्री जहाँ जरूरत पड़ेगा। क्यों आप पोस्टर लगा दिए 15-15 साल का हिसाब वाला? ये जो इतना तेजी से जो लालू जी के बेटा तेजस्वी घमंड में चूर हो गए हैं, तो हमारा दल मांग दिया कि 15 साल हमारा देख लीजिए, गांव घर का 15 साल अपना देख लीजिए, 15 साल के रिकॉर्ड निकाल लीजिए, कितना भारी अपराध हुआ है उनके राज में। हम तो जानते हैं कि सर 200-200 लोग कट जाता था लालू जी के राज में, बथानी नरसंहार से नारी नरसंहार, मियापुर नरसंहार, सीतामढ़ी दंगा, सिरघाटी दंगा, सीतामढ़ी में दंगा, इतना बार लोग त्रस्त, अपहरण से, लूट से, डकैती से लोग परेशान हो गए थे, इसलिए उनका तो कोई अधिकार नहीं है वोट मांगने का, अन्ना लोग लाइक करेगा ये जान लीजिए। मुजफ्फरपुर शेल्टर कांड का पता है आज मिली है, जो खबरों में भी आप देख रहे हैं, नरसंहार वो नरकंकाल मिला है वहाँ पे, तो कैसे आप कह रहे कि अपराध मुक्त हो गया है बिहार इस वक्त? नहीं, वो देखिए कोई दंगा नरसंहार नहीं हुआ, दंगा नरसंहार नहीं हुआ है कि वहाँ पर, मतलब कि जो मिले अब तो दिखा दिया पटना में कि डाक बंगला चौराहा पर नाव चल रहा है, अब जब हम लोग अपना क्षेत्र से पटना में गए तो वहाँ पर करीब करीब 1 फीट पानी जमा था, 1 फीट में नाव चलेगा? इन नाव का फोटो दिखाया लो, इसलिए कुल समझिए कि बकवास है, नीतीश कुमार को बदनाम करने का, ये लोग तरह तरह के अपना दिमाग से उपज करते हैं कि नीतीश कुमार कैसों बदनाम हो जाए, लेकिन वो चीज नहीं है, नीतीश के सामने अभी बिहार में कोई विकल्प नहीं है, और लालू परिवार कभी बिहार का विकल्प नहीं बन सकता। ये हमारे साथ ददन जी विधायक हैं, बहुत जबरदस्त तैयारी इनकी बातों से आपको नजर आ रही होगी, खास तौर पे चूंकि ये जेडीयू से हैं तो पूरे एक स्वर में जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ही एकमात्र विकल्प है मुख्यमंत्री के तौर पे बिहार में, देखना ये होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी से सहमत होती है या फिर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से नित्यानंद राय के नाम को दोहराती है। आप हमारे साथ बने रहे इस चीज के लिए नमस्कार।